गाइस, मैं 2-3 दिन पहले से एक ऐप का नाम बहुत ही ज़्यादा सुन रहा था, सिग्नल ऐप। ये है क्या ऐप दोस्तों? व्हाट्सएप के ही तरह एक सेम ऐप है, सिग्नल ऐप। तो दोस्तों एक पर ये ऐप में इस ऐप के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, पर जो व्हाट्सएप का जो नया फीचर आया, व्हाट्सएप इज़ अपडेटिंग टर्म्स एंड प्राइवेसी पॉलिसी, इसके माध्यम से जो ऑप्शन आया था व्हाट्सएप में, इसके बाद से व्हाट्सएप अपनी जितनी भी हमारी जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है पर्सनल, वो फेसबुक को भी शेयर कर रहा है। फेसबुक अन्य थर्ड पार्टी ऐप को हमारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है, जो कि हमारी व्हाट्सएप की इन्फॉर्मेशन है। तो इसी कारण मैंने सोचा कि यार व्हाट्सएप को अब यूज़ नहीं करना चाहिए, व्हाट्सएप को डिलीट कर देना चाहिए या व्हाट्सएप का अकाउंट डिलीट कर देना चाहिए। और इसके बाद से मैंने सिग्नल ऐप में अपना अकाउंट बनाया, और अकाउंट बनाने के बाद मैंने सिग्नल ऐप को यूज़ करा तो एकदम व्हाट्सएप के ही तरह सारे फीचर थे, पर एक फीचर नहीं था दोस्तों। वो क्या नहीं था? स्टेटस लगाने का। जैसे हम व्हाट्सएप में स्टेटस लगाते हैं, पर सिग्नल ऐप में हम स्टेटस नहीं लगा सकते। दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि सिग्नल ऐप में स्टेटस कैसे लगाएं। दोस्तों सिग्नल ऐप में स्टेटस का ऑप्शन नहीं है, पर हम इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं या इस ऑप्शन की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तो सिग्नल जो भी सिग्नल फाउंडेशन है, हमें एक इन्हें रिक्वेस्ट डालनी है। रिक्वेस्ट डालने के बाद सिग्नल ऐप में स्टेटस जैसा व्हाट्सएप में फीचर है स्टेटस का, वैसा ही फीचर हमें सिग्नल ऐप में भी मिल जाएगा। दोस्तों हम सभी को रिक्वेस्ट डालनी है, जैसा कि अभी मैं आपको रिक्वेस्ट डालना बताऊँगा कि सिग्नल ऐप में कैसे रिक्वेस्ट डालें कि व्हाट्सएप का फीचर हमारा और हमारे सिग्नल ऐप के अंदर आ जाए। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितने ज़्यादा बंदे सिग्नल ऐप में एक रिक्वेस्ट डालेंगे व्हाट्सएप फीचर व्हाट्सएप जैसा स्टेटस फीचर को लाने के लिए, तो सभी को जितनी भी वीडियो देख रहे हैं सभी को शेयर करें और हमारा जो सिग्नल ऐप में स्टेटस वाला फीचर ऑप्शन ऑन हो जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें। अब आपको किसी भी ब्राउज़र पर सिग्नल ऐप लिखना है, लिखने के बाद आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद यहाँ पर सिग्नल ऐप सिग्नल प्राइवेट मैसेंजर आ रहा है, इस ऐप को यहाँ से आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं। और नीचे एक वेबसाइट आ जाएगी signal.org, इस वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर 3 लाइन दिखेंगे आपको राइट साइड में, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोबारा से आपको 3 लाइन पे क्लिक करना है। अब कॉन्टैक्ट अस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही कॉन्टैक्ट अस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर है सबमिट ए रिक्वेस्ट। अब आपको एक रिक्वेस्ट डालनी है, जैसे कि हमें व्हाट्सएप जैसा स्टेटस फीचर सिग्नल ऐप में चाहिए तो हमें ये रिक्वेस्ट डालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना योर ईमेल एड्रेस, आपको अपनी ईमेल आईडी या जीमेल आईडी जो भी आपकी, वो आईडी आपको यहाँ पर टाइप कर देनी है। तो मैंने यहाँ पर ईमेल आईडी टाइप कर दी और यहीं नीचे सेम ईमेल आईडी दोबारा से टाइप कर दिया ईमेल एड्रेस। और यहाँ पर आपको अपनी प्रॉब्लम टाइप कर देनी है, टाइप नहीं करनी, सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे कि हमें फीचर रिक्वेस्ट में मैं क्लिक करता हूँ। जैसे कि मुझे सिग्नल ऐप में स्टेटस वाला फीचर चाहिए तो फीचर रिक्वेस्ट पर क्लिक कर लेना है। और दूसरे ऑप्शन पर आपको व्हाट प्लेटफॉर्म इज फॉर दिस, तो सिग्नल एंड्रॉयड पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आप चाहते हो इस सिग्नल ऐप के अंदर, वो आपको टाइप कर देना है। जैसे कि मैं सिग्नल ऐप के अंदर स्टेटस वाला फीचर चाहता हूँ, और अगर आप भी चाहते हैं तो यही सेम मैसेज में टाइप करूँगा, वही मैसेज आपको टाइप करना है। प्लीज़ प्रोवाइड स्टेटस फीचर इन सिग्नल ऐप एज लाइक व्हाट्सएप, प्लीज प्रोवाइड स्टेटस फीचर इन सिग्नल ऐप एज लाइक व्हाट्सएप ऐप। व्हाट्सएप ऐप की तरह ही मुझे सिग्नल ऐप में स्टेटस वाला फीचर प्रोवाइड करें, उपलब्ध कराएं। तो ये मैंने मैसेज टाइप कर दिया। मैसेज टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट करेंगे तो रिक्वेस्ट डल जाएगी और इसके 2-3 दिन बाद सिग्नल ऐप में भी स्टेटस वाला फीचर ऑन हो जाएगा। सबमिट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आ रहा है योर रिक्वेस्ट वाज सक्सेसफुली सबमिट, तो हमारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है और 2-3 दिन बाद सिग्नल ऐप में स्टेटस वाला फीचर
ऑन हो जाएगा या स्टेटस वाला फीचर आ जाएगा। पर जब आएगा, जब ये रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में जाएगी, जैसे कि 2-3 हज़ार या 50-60 हज़ार लोग इसी प्रकार के सेम मैसेज को रिक्वेस्ट करेंगे, तो सिग्नल ऐप में जल्द से जल्द स्टेटस वाला फीचर आ जाएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वो भी इसी प्रकार की रिक्वेस्ट डालें, और जिस पर इसके बाद सिग्नल ऐप में स्टेटस वाला फीचर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।